तो गाइस फाइनली मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। बहुत टेंशन ले रही थी, हर घंटे मुझे फोन कर रही, अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर आपने क्या लिया। काफी सारी चीज मुझे पता चल रही है कि कैसे कैसे होती है। तो ये जो सूट है ये मेरा डिजाइन करा हुआ सूट है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। मैं जा रही हूँ ऑफिस नीतू के साथ। थोड़ा एसी की आवाज़ कम करते हैं, वैसे मेरी आवाज़ नहीं आने वाली। और नीतू ड्राइव कर रही है और एक कार पीछे आ रही है क्योंकि मैं तो ऑफिस में रुकूंगी, नीतू चली जाएगी घर। नीतू चली जाएगी कहीं और क्योंकि वो कुछ प्लान है, दिल्ली जा रही है। उसके बाद मैं भी दिल्ली निकलूंगी, मम्मी से मिलूंगी क्योंकि मेरी तबियत खराब थी, मम्मी को बहुत टेंशन हो रही थी। और मैंने बोला जैसे ठीक होंगी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत बिजी रहती है और दोबारा प्रेसिडेंट के साथ है तो मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बस जाना है और मम्मी के मिलना है। मम्मी बहुत टेंशन ले रही थी, हर घंटे मुझे फोन कर रही, इवन मैं सो रही हूँ मैं फोन उठा के कह रही हूँ अरे मम्मी ठीक हूँ ठीक हूँ। तो बस ये है मम्मी से मिलने जाना उसके पास। तो एक दो घंटे ऑफिस में बिता के मैं निकलूंगी यहाँ से। फाइनली मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, आइए देखते हैं मजा आएगा। आज मेरा पहला दिन है तो मुझे गुड लक विश कर देना। और नीतू का पहला दिन है लेकिन वो आ रही है कार पार्क करके, लेकिन मैं आ गई हूँ और रास्ता कुछ इस प्रकार है। बहुत अजीब फील आ रहा है क्योंकि मैं पहली बार अपने ऑफिस में आ रही हूँ, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ नीतू की वजह से क्योंकि मैं तो जल्दी आ गई थी पर वो लेट थी। हेलो भैया, देखो भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत जल्दी आ गई थी, नीतू ने मुझे लेट कराया, तो आपको लगे कि मेरी कोई गलती है? पहली गलती माफ, मेरी है ही नहीं। तो गाइस नया काम समझने में मतलब टाइम तो लगता है लेकिन धीरे धीरे मैं समझ जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ नया नया चीज सीखना। और काफी सारी चीज मुझे पता चल रही है कि कैसे कैसे होती है, यहाँ पे लिस्टिंग होती है, यहाँ पे होती है। और ये देखो आप मैडम भी समझेंगी हमारी। इसमें तेरा भी छूटा था, उस दिन तेरी तबियत खराब हो गई थी, तू आ नहीं पाई थी। तो देख मैं बताती हूँ गाइस, मैं बताती हूँ ये वाला सूट पूनम दीदी, पता तेरी कौन सी वो थी चॉइस सूट की? तेरी ये चॉइस थी सूट की, हाँ ये तूने अपना डिजाइन भेजा था, ये भी और ये वाला भी, कह रहे तूने बोलता फुल स्लीव्स का भी रखना और ये भी रखना, तो ये तेरा था। अच्छा, बाकी जो मेरा था एक तो ये था भैया, ये मेरा था। हाँ ये मेरा था भैया, लेके भी आ गए ठीक है। और मैं दिखाती हूँ, ये लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी जो मैंने जो पसंद किया, मैंने जो येलो वाला पहना था मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसके बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, इसके बहुत ऑर्डर आ रहे हैं गाइस। ये है भी बहुत सुंदर वैसे, हाँ ये है ना, और ये बहुत कंफर्टेबल भी है भैया। कंफर्टेबल तो भैया बहुत कंफर्टेबल है, मैंने पहना था, मैं बता भैया इसके बीच में कपड़ा कलर है और नहीं अभी इसमें येलो, इसमें लॉन्च कर। तो गाइस आप बताना आपको ये कलर पसंद आ रहा है और ये डिजाइन पसंद आ रहा है, हम इसमें कलर्स निकालेंगे बहुत सारे। तो ये जो सूट है ये मेरा डिजाइन करा हुआ सूट है। इसकी सलवार नोटबुक मुझे दे, अच्छा लगता है भैया कि ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ। इसकी सलवार कुछ ऐसे है और इसका सूट कुछ ऐसे है, ये देखिए। और ये हमारे सारे कलेक्शन में मेरा फेवरेट है। ये आपका फेवरेट है? मुझे वही पसंद आया, कितना तगड़ा, आप देख रहे हो कितना अच्छा फैब्रिक है। अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर आपने क्या लिया, जल्दी ऑर्डर करो निटॉल से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने फीडबैक शेयर करना, हमें टैग करना इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी, सब जगह हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपना दूसरा कलेक्शन लेकर आए, समर कलेक्शन पार्ट 2। क्या बोलना चाहेंगे आप, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट है भैया। A few moments later, आ चुकी हूँ और मेरे घर वाले ये रहते हैं। मम्मी आओ क्या, ओ माँ मदर्स डे का क्या हुआ, किसको मेरे को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपको, अब ऐसे देख क्यों रहे हो? तुमने बहुत स्लो मोशन में दरवाजा खोला ना, बड़ा अच्छा डेकोरेट कर रखा है मदर्स डे का, सारे बलून फूट चुके हैं। अब आ रही है मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, जा रही है ऑफिस। बाय मम्मी, मैं बहुत लेट आई हूँ ना, हमें कहीं जाना था एक बहुत अच्छी जगह पे लेकिन आज मैं लेट हो गई, कल जाएंगे अभी हम चाय जाना था, यम यम चाय नहीं, कुछ देखने जाना था हमें, देखते कल देखते। चलो मम्मी यम यम चाय, देखो खाने की बड़ी लड़की। A few moments later. तो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ फिर से ऑफिस क्योंकि मेरे को बस एक इम्पॉर्टेंट काम था मम्मी से, वो डिस्कस करने गई थी और मम्मी को मेरी हेल्थ की बहुत चिंता थी तो वो उसके लिए मेनली गई थी मैं। अब वापस आ गई हूँ, यहाँ पे देखती हूँ कौन कौन है, आप कोई है या नहीं है क्योंकि दोनों कहीं निकलना था, आकाश भैया और कीर्ति को, तो मैं आ चुकी हूँ, पता करती हूँ। ऐसे होती है पैकिंग, आप देख सकते हैं। हाँ भैया ये रखेंगे, उसको भाई थैंक यू कार्ड रखेंगे। थैंक यू गाइज फॉर ऑर्डर, रिंग किसने ऑर्डर किया है, रुचि, थैंक यू रुचि। उसके बाद एक और बार थैंक यू बोलेंगे फिर हम, थैंक यू रुचि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसको इसमें पैकेट में डाल देंगे।
मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा आज का काम खत्म हुआ है और मुझे तेज़ नींद आ रही है, मतलब शाम को 6 बजे मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है। अब मैं अपने बच्चों से मिलूँगी, तीनों से, देखते तीनों क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टुड्डू आएगा, वही आता सबसे पहले। आ जाओ, कोई भी नहीं है। बच्चे किधर हैं? डूची पूछी पूछी टुड्डू है, टुड्डू आज है मेरा दूसरा दिन, मतलब मेरी ब्लॉगिंग का सेकंड डे है और मैं आ गई हूँ अपनी लेजर कराने। मुझे फुल बॉडी लेजर करवाना है और मैं हूँ नोएडा में। उसके बाद मैं जाऊँगी दोबारा से दिल्ली, क्योंकि मुझे मम्मी से दोबारा मिलना है। हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप पता चलेगा आगे जाके। तो चलो मैं चेंज करती हूँ कपड़ा, क्योंकि मुझे लेजर करना है। मुझे पहनना है ये फुल बॉडी लेजर है, तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, आपको ज़रूर देखना मेरे फेसबुक पे और मेरे न्यू चैनल पूनम पिक्स। बट हैंड एंड अंडर आर्म्स, बट मशीन में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मुझे कल 10 बजे दोबारा आना पड़ेगा और फिर मुझे करवाना पड़ेगा बाकी का एरिया। तो मैं दिल्ली जाती हूँ, मम्मी से मिलती हूँ, ज़्यादा सही है मेरे जल्दी टाइम हो गया, लेकिन हाँ आज हो जाता तो कल का मेरा टाइम बचता। कोई नहीं, कल मुझे वैसे भी आना ही है नोएडा, तो मैं यहाँ पर भी आ जाऊँगी और अपना बाकी की बॉडी लेज़र कराऊँगी। आ गई हूँ, हमारे घर में बन रहा है आम का अचार और ये दीदी दीदी लंच पे आने के बाद ही ऐसी हो जाती है, फिर वापस चेंज करती है, फिर वैसी हो जाती है। वैसे मज़े तो इसकी जॉब के ही हैं, लंच पे आती है, चेंज वेंज करती है, खाना वाना खाती है, फिर वापस जाती है। और ये कब निकालेंगे, कवाड़ हो गया ये जब गंदा हो गया है। अच्छा चलो, तो मेरी चाय मम्मी चाय छुपा रही है, तो मैं भर के चाय पी रही है। मम्मी को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। ओपे क्या दिखा दो, शायद हटाओ ढक्कन। हमारी चाय पे चर्चा हो चुकी है, खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे और सोने के बाद मैं उठी हूँ। दिव्या दीदी का ऑफिस आने का टाइम हो गया और अब जाके मैं उठी हूँ। अब मैं निकलती हूँ, वहीं मुझे ट्रैफिक मिलेगा। जाओ उन्होंने मेरी चाय, ये मम्मी की चाय, मम्मी ढक दी है भर के, पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जैसी मम्मी हटाएंगी। ये दिव्या दीदी क्या खा रही थी, आम, तब से उसने ऐसी रखा हुआ है। चलो बाय मम्मी बाय, आप घूमने जा रहे हो, जाओ जाओ कम करो। बाय बाय। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा होगा ब्लॉग में, मैं गई थी मम्मी से अपने दिल की बात कहने के लिए, और वो बात क्या थी वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि इस नेक्स्ट ब्लॉग मेरा होम चोर आने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और दिल की बात कहना अच्छा लगता है मम्मी से, क्योंकि आगे जाके हम अपनी दिल की बात मम्मी से करते हैं, किससे करते हैं बताओ, मम्मी से तो करते हैं, माँ से करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कुछ खुशखबरी मिलती है तो सबसे पहले मम्मी के साथ शेयर करते हैं। हाँ, और जब बहुत बड़ी बात होती है तो सबसे पहले हम मम्मी से शेयर करते हैं कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, है ना। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गाइस ये ब्लॉग देखने के लिए। आप बताना जरूर आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। ओके डाडा, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।